थोड़ा सा ठंड लगने वाली है हमें। ये नहीं, ये गलत है भाई साहब, ये गलत है। अरे एक सेकंड यार, एक सेकंड यार, एक सबसे बड़ा कौन है? नीचे से नहीं ऊपर से। ये आए मार खाने हैं, इसका कोई हाथ वाथ नहीं पकड़ेगा, सब मिलके मारो इसको। क्योंकि मुझको समझ में ही नहीं आ रहा कि आज हो क्या रहा है और हम करना क्या चाहते हैं। मतलब वो जो आपने सुना ना, कहना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। ये वाला चैलेंज आज जो हम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं हम सिर्फ सियान के कहने पर, क्योंकि सियान ने मुझे बोला है पापा अगर हम डाइनिंग टेबल के ऊपर रह सकते हैं तो हम डाइनिंग टेबल के नीचे क्यों नहीं रह सकते। ये भी ठीक है गाइस, पॉइंट तो है। और गाइस हमने इतने इतने सारी जगहें पूरी कवर कर ली हैं कि अब हमारे पास ना कोई जगह बची भी नहीं है। अगर आपको लगता है हमारे घर में कोई जगह बच चुकी है तो कमेंट करो। हाँ, कमेंट करो कि हम 24 आवर्स और कहाँ रह सकते हैं। तो आज हम ट्राई करने वाले हैं हमारे बॉस के कहने पे डाइनिंग टेबल के नीचे। यार मतलब कैसे पॉसिबल भैया, इतनी सोच कहाँ से लाते हो, साइंटिस्ट। और गाइस इस चक्कर में इस बेचारे डाइनिंग टेबल की वाट लग चुकी है। एंड गाइस मेरा बेचारा कभी इसको यहाँ खींचते हैं, कभी इसको बाहर खींचते हैं, कभी इसको नीचे जा रहे हैं। एंड गाइस इसकी ना एक रॉड भी थी, वो भी टूट गई है। कोई बात नहीं, अब हमें चैलेंज करना है, हमें आपको एंटरटेन करना है, तो हम कुछ भी करेंगे। गाइस एक काम ये करना कि आप ये वाला ना चैलेंज का टाइटल यूट्यूब पे सर्च करके देखना, आपको एक भी वीडियो ऐसा नहीं मिलेगा जो हम करने जा रहे हैं। तो गाइस यार हमारी इतनी मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना और कॉमेंट करना, और ऑब्वियसली ये सब आप हमें करोगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो गाइस करें स्टार्ट करें, चलो श्री गणेश करते हैं। चलिए जी चलिए, मैट वैट चद्दर वद्दर सब ले आओ भाई, थोड़ा सा ठंड लगने वाली है हमें। हम लोग यहाँ पर सारे फिट कैसे आएंगे यार? और सो कैसे पाएंगे सब? सही पकड़े हैं। देखो यार हमें नहीं पता ये सब कैसे कैसे होगा, क्या होगा, मेरे को नहीं नॉलेज है, बट हम ट्राई करने वाले हैं, क्योंकि यार ट्राई करने वाला ही सक्सेसफुल होता है या उसकी हार होती है, तो ट्राई करना बहुत जरूरी है, रिजल्ट देखा जाएगा। चलो घुसो घुस यार, जो होगा देखा जाएगा, क्या होगा, इंजॉय तो करेंगे, हम भी इंजॉय करेंगे, आप भी इंजॉय करोगे। अभी चैलेंज स्टार्ट नहीं हुआ है गाइस, अभी चैलेंज स्टार्ट नहीं हुआ है। ये हरकतें, मैं कहां जाऊंगा, सबसे बड़ा तो मैं हूं इनमें से, मैं कहां जाऊंगा, मैं तो छोटी सी हूं, घुस गई। ये नहीं, ये गलत है भाई साहब, ये गलत है। मैं भी आता हूं। चलो जी, आर यू सीरियस? कुछ नहीं है, चलो रिलैक्स गाइस। अब उसके अब उसकी अनान्या की सांस, अनान्या के कपड़े फट गए। अनान्या के बहुत कंफर्टेबल है, अनान्या के कपड़े फट गए। पता कैसे प्रैक्टिकल है यार ये, बस हवा निकल गई। मीम को तो बिल्कुल कंफर्टेबल है। A few moments later, यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये देख रहे हो गाइस, मैं ऐसे गर्दन सीधी नहीं कर पा रहा, मेरे ऊपर टच हो गया, ऐसे गर्दन सीधी नहीं कर सकता, बाहर नहीं आ सकता और ऐसे नहीं कर सकता। ये लोग तो सब सेट बैठे, मुझे लग रहा है ये चैलेंज सबसे ज्यादा मुश्किल मेरे लिए होने वाला है। ये सब तो सेट हो जाएंगे, लेकिन गाइस एक बात बताओ, तुम हम रात को सोएंगे कैसे यहाँ पर? मुश्किल तो बैठे सब, ये इनकी इनकी मस्ती चालू हो गई है। पैर किसको? यार मेरी गर्दन का कुछ कर दो। मुझे मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये चैलेंज मेरा कैसे होने वाला है। यार एक काम, मुझे बिठा दिया है, मुझे लगी जा रही है। जब नीक सुनो ना शनाया बेटा इधर आ। ओहो रमनीक देखो ना, मैंने इतनी अच्छी वीडियो बनाई है, बस एडिट करनी बाकी है, बट समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से करूं। अरे वीटा ऐप से करो ना। वीटा? अरे हाँ मैं बताता हूँ, ये एडिटिंग के लिए बहुत ही सिंपल और कन्वीनियंट ऐप है। पर इसके लिए तो पैसे देने पड़ेंगे ना। अरे नहीं ये बिल्कुल फ्री ऐप है। अच्छा
हाँ, और इसमें बहुत ही मजेदार फिल्टर्स भी हैं जो तुम अपनी वीडियो या ब्लॉग में यूज कर सकती हो। इसको यूज कैसे करना होगा? अरे बहुत ही सिंपल है, मैं बताता हूँ। प्रोजेक्ट पे क्लिक करो, न्यू पिक्चर्स और वीडियोस ऐड करो और इफेक्ट्स यूज करो। तुम इसका फ्री स्टोर भी चेक कर सकती हो, उसमें तरह तरह के इफेक्ट्स और फॉन्ट्स हैं, फिल्टर्स हैं, म्यूजिक है और बहुत कुछ। और यहाँ पे देखो, तुम अपने थीम के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज भी चेक कर सकती हो। और अगर और आइडियाज चाहिए तो प्रीमेड टेम्पलेट्स भी यूज कर सकते हो, और इसमें वॉटरमार्क हटाना बिल्कुल फ्री है। वाओ, ये तो बहुत ही इजी है, मैं अभी डाउनलोड करती हूँ इसको। तो फ्रेंड्स, आप भी डाउनलोड करो वीटा ऐप, ये बिल्कुल फ्री है, और अपनी वीडियोस एडिट करो। रमी, आपने मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। लाओ मैं इस वीडियो को एडिट कर लेती हूँ। करो करो, सब मजे में करो। तो गाइस, अब हम यार बहुत ज्यादा थक रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरी गर्दन में दर्द अभी से ही शुरू हो गया है, और अभी हमें सिर्फ 1.5 घंटा हुआ है यहाँ पर चैलेंज को स्टार्ट करे हुए। तो गाइस, कुछ टाइम पास के लिए कोई गेम खेलते हैं, शायद ध्यान हमारा हटे। और ये हम इतना मुश्किल चैलेंज, मैंने कभी सोचा भी नहीं था ये इतना मुश्किल होगा। चलो भैया आगे हो जरा, ग्रेस लगा लो। अरे एक सेकेंड यार, एक तो तुमने पता नहीं ये गाइस पहले ही यहाँ पर जगह नहीं है, और इन्होंने देखो ये देखो सारी जगह तो ये चद्दर ने ले रखी है। हटाओ इसमें यहाँ से, हटाओ, ठंड लग रही है। भैया ऐसा है, जिसको दिक्कत है वो चैलेंज से चला जाए, बाहर हो जाए, और उसको अपना बेड में जाके घुस जाओ। मैं चैलेंज पूरा करने के लिए करती हूँ, हारने के लिए नहीं। गाइस आपको क्या लग रहा है, ये चैलेंज हम पूरा कर पाएंगे? पैसा बर्बाद। यार ये मुझे समझ में नहीं आती, ये इतने खुराफाती आइडियाज लाते कहाँ से हो? जगह पड़ी थी, उधर हो ना, उधर हो जा, थोड़ी जगह बना हमारे लिए। ओहो, ये तो हार सकता है ज्ञान। धक्का मारो इसको। इसको ना हार कर। गाइस गाइस गाइस, अभी टाइम पास के लिए ऐसा करते हैं, नहीं नहीं चिड़िया उड़ खेलते हैं, जगह नहीं है ना, अब जगह के हिसाब से करना है हमें। चिड़िया उड़, चिड़िया उड़। अपना पूरा चौकड़ी मार के बिठाओ इसे, पूरा अपना लेग खोल के बैठी है। और तू सुन, मैं इधर का मालिक हूँ, वॉचमैन नहीं हूँ। गाइस ये देखो, ये हमारे से हफ्ता वसूलने आई है। भाई साहब हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे को माफ कर दो। माफ कर दिया, सीधा होके बैठो। इसकी हंसी नहीं रुक रही। चलो चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया। अच्छा अच्छा ना, पुनीत आउट है। चलो चिड़िया, मेरे को आउट नहीं करना। चिड़िया और मैं डेलन। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? नीचे से भी ऊपर से? नीचे से तो ये बड़ा है। खोता उड़, इस खोते ने खोता उड़ा दिया। पहली गलती है, मैं माफ कर रहा हूँ गाइस, अब कोई गलती माफ नहीं होगी। और इधर बाजार में रखते हुआ था, कोने में बैठे। ठंड बहुत है ना यार, हाथ पांव नहीं हिल रहे। ये बाजार में नहीं आ रही गाइस, कोने में घुसी हुई है। चलो सबसे पहले गधा उड़, आना पड़ेगा। उसका गधा उड़ता है तो उसकी क्या गलती है? गाइस, इसके अंदर हमने डाला थोड़ा सा गधे का चारा, थोड़ा सा गधे का पानी, और अनाने तू डाल दे थोड़ी सी गधे की पोटी डाल दे। छी 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 छी। गाइस मेरे पास है नहीं, मैं कहा अनाने के पास जाए दो। नो ऑफेंस टू गधा, गधे की पोटी डालो भाई, है किसी के पास? मेरे पास तो नहीं है। चलो फिर क्या यार, जाए चलो रेडी रेडी। गाइस ये ऐसे ही खेलता हूँ मैं, एक तीर से चार पांच निशाने। चलो 1 2 दर्द हो रही है बेटा, अभी कहाँ कहाँ दर्द होगी देखती जाए, ये चैलेंज इतना खतरनाक हमने चुन लिया है। मैंने मेरी तो नस पे नस चढ़ गई है, मेरे को उठना पड़ेगा यार। हाँ, जाओ 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 जाओ, हमारे को जगह खाली होगी, हम तो खुश है। हाँ, जाओ, 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 जाओ। मेरे साथ गलत। चलो अब सियान खिलाएगा। इसको समझ में नहीं आ रहा,
गन उड़। वाह भाई वाह। अनान्या तेरी बारी। ओके। अनान्या तेरी बारी। तोता उड़। कार उड़ा दी। ये आए मार खाने हैं। इसको इसका कोई हाथ वाथ नहीं पकड़ेगा, सब मिलके मारो इसको। गाइस यार बहुत टाइट हो रहा है मामला। गाइस मेरे से यहाँ बैठा नहीं जा रहा है। किस बात की तालियां हो रही है, किस बात का शगन बना रहे हो? गाइस यार मेरे से यहाँ बैठा नहीं जा रहा है, मेरी गर्दन में भी बहुत दर्द हो रही है और मेरे से ऊपर भी नहीं उठा जा रहा है और मेरी और भी कई जगह दर्द हो रही है। मैं बता नहीं सकता और कहाँ कहाँ दर्द हो रही है, तो लेकिन मैं इस चैलेंज से रिजाइन कर रहा हूँ। गाइस मैं यहाँ पर कंफर्टेबल हूँ, मेरे से तो ये लिविंग अंडर डाइनिंग टेबल हो नहीं रहा। कौन रहेगा भैया 24 घंटे अबव द डाइनिंग टेबल के रहेगा? अच्छा ये ठीक है, एक चैलेंज ऊपर एक चैलेंज नीचे, लिविंग अबव डाइनिंग टेबल 21 आवर, लिविंग बिलो डाइनिंग टेबल। यार हमारी क्रिएटिविटी की तो दाद देनी चाहिए गाइस। देख रहे हो डब्बे में डब्बा, फिर ऊपर डब्बे के ऊपर डब्बा। अरे कहना क्या चाहते हो? डब्बे में डब्बा और ये है हबा बब्बा। बैंड बज गया था यार, कमर सीधी करिए, शुक्र मनाए 2 घंटे में मेरी ऐसी तैसी हो गई। इतनी बारी मेरे सिर पे लग चुकी है ना यार, जिंदगी में नहीं लगी होगी। भाई साहब आप ये टेबल से बाहर निकल सकते हैं, टेबल के अंदर रहो, ये चैलेंज से बाहर हो जाएगी, अंदर रहो। गाइस मैं मछलियों को दाना डाल रहा हूँ। ये देखो एक और मछली आई है। एक और मछली आई है। गाइस ये देखो अनान्या बाहर आ चुकी है, तो ये चैलेंज से बाहर, इसने भी अपनी हिम्मत हार मान ली है। अनान्या आउट। तो अनान्या अनान्या भी हार मान ली इसने भी, क्योंकि इसका झगड़ा हो गया था अंदर उनके साथ। और अब हमारी टीम में जो बचे हैं वो हैं ये शनाया। हेलो तीन खिलाड़ी बचे हैं। मेरे से तो नहीं बैठा जा रहा, हमें पहले ही पता था इसके बस का नहीं है, हमें पहले ही पता था कि हम तो शराफत से बाहर आ गए थे। हम बोल कौन रहा है जो सबसे पहले निकला है, जो सबसे पहले निकला है। मैं ना जरा अभी घूमकर आती हूँ, फिर आके बैठूंगी। गाइस यार मैं तो इतना लंबा हूँ, सबसे लंबा हूँ इनमें से, मेरा तो बनता ही है यार बाहर आना। Later that same evening. बाबा मैं बोर हो रही हूँ। हम तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, हम तो आराम से ऊपर खुले में बैठे हैं। ऊपर ना कोई शेड। गाइस शनाया को शक्करकंदी स्वीट पोटैटो बहुत पसंद है और वो नीचे बैठी है, और हम अब हम उसको कुछ ना कुछ चिढ़ाएंगे और फिर देखते हैं कि शनाया का क्या रिएक्शन रहेगा, मतलब मजा आएगा। तो गाइस हम अब उसको चिढ़ाते हैं, पुनी जल्दी करा। एहे, रहा नहीं जाता। हमें ना बहुत भूख लगी है तो हम चैलेंज से बाहर हो जाएगी। गाइस ऐसा क्या खाने पीने का शौक हो गया?
दिस इज रियल शनाया कोचर गाइस, ये देख लो, ये खाने के लिए कुछ भी कर सकती है। ओए 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 आ गई। बहुत मजा आया। तो गाइस थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। गाइस थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। मेकिंग चॉकलेट क्रिसमस ट्री विद आइसक्रीम लाइव हो चुका है हमारे चैनल RS 1313 फूडी पे। ये तो मस्त है बॉस, मस्त है, मस्त है। वीडियो देखने के लिए